हेलो गाइज, मेरा नाम है अर्श और मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ आपके प्यार से चैनल। चैनल का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि बैंक निफ्टी आज किस तरीके से पूरे दिन ट्रेड हुआ है, कौन सा हम लोगों को परफेक्ट ट्रेड मिला है और कल का हमारा क्या ट्रेड प्लान बन सकता है। मैं आपको कोई भी लेवल्स नहीं बताऊंगा कि आप इस लेवल्स के ऊपर बाई कर सकते हैं या फिर इस लेवल के नीचे सेल कर सकते हैं। मैं आपको ये सिखाने की कोशिश करूंगा कि आप खुद से कैसे चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो लेवल्स बताने वाले बहुत सारे लोग हैं, बट आपको चार्ट कैसे एनालाइज करना है, खुद से खुद का कैसे ट्रेड प्लान करना है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही चीज़ सिखाऊंगा, ठीक है, और डेली मैं यही चीज सिखाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बैंक निफ्टी के 5 मिनट का भी टाइम फ्रेम पे ये ग्राफ है। आपको चार्ट को एनालाइज करना है, इसका सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको सबसे पहले 1 दिन के टाइम फ्रेम पे जाना है और ये देखना है कि हमारा अभी ट्रेंड क्या है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देखेंगे तो मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है और बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई जो था वो अभी लगभग ब्रेक कर चुका है और उसके ऊपर 3-4 दिन से सस्टेन भी कर रहा है। तो हमारा पहले ऑल टाइम हाई ये था जो कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया और उसके ऊपर 3 दिन से सस्टेन कर रहा है और आज काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग भी दिया है। तो हम लोगों को ये चीज पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि ये हमारा क्या है, ऑल टाइम हाई है, ताकि आप लोगों को ये लाइन देखते ही समझ में आए कि हाँ ये कौन सा लाइन है। अब हम लोग क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि मार्केट का भी ओवरऑल ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे भी मार्केट पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो सकता है। आपको ऐसा ही चार्ट को खुद से एनालाइज करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अगर ध्यान से देखा जाए तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रहा है जो मार्केट पूरे अभी जो है फुल ट्रेंड इसके ऊपर ट्रेवल कर रहा है। इसके नीचे आ जाएगा तो ये ट्रेंड जो है वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। जब तक इस ट्रेंड के ऊपर सस्टेन करता रहा मतलब हमारा ये ट्रेंड वैलिड है। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, आवरली टाइम फ्रेम में हम अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे, ठीक है। आपको कैसे एनालाइज करना है, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, आपको भी खुद ऐसा ही एनालाइज करना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा अभी डेली टाइम फ्रेम पे तो ये है ऑल टाइम हाई। सपोर्ट क्या होगा, सपोर्ट हमारा होगा ये पॉइंट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देंगे। अभी जो हमारा नियरेस्ट सपोर्ट होने वाला वो ये लेवल होगा, ठीक है। आपको ये लेवल में क्यों मान रहा, क्योंकि यहाँ पे देखा है तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है और ये एज अ रेजिस्टेंस भी वर्क किया है, तो मैं इसलिए इसको सपोर्ट मान रहा हूँ। आपको ये भी चीज खुद से बोलना पड़ेगा कि मैं इसको सपोर्ट क्यों मान रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस, एस फॉर सपोर्ट, जो अभी हमारा नियरेस्ट सपोर्ट है। और अगर हम आज का रेजिस्टेंस देखेंगे तो आज का हमारा रेजिस्टेंस था ये लेवल, ठीक है। ये हमारा आज का रेजिस्टेंस था जहां से प्राइस बार बार रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ रहा है, 1 दिन, 2 दिन और आज तीसरा दिन। लगभग आज पूरे दिन मार्केट इस रेंज के अंदर था, ठीक है। इसके बाहर आज लास्ट आवर में फिर इसका ब्रेकआउट हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये भी लिख देंगे कि ये हमारा रेजिस्टेंस है। आपको बस ऐसे ही एनालाइज करना, एकदम सिंपल है। आपको लेवल्स तो सब बता देंगे कि हाँ 545 है, इसके ऊपर आप लोग खरीद लेना, इसके नीचे आप लोग बेच देना। वैसे आपको नहीं करना है, आपको खुद से चार्ट पे डालना है कि हाँ ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। अब वापस से ये आवरली टाइम फ्रेम का काम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 10 मिनट या फिर 15 मिनट। 15 मिनट पे देखते हैं कि क्या सिनेरियो है मार्केट का। 15 मिनट पे भी सेम इसी रेंज के अंदर मार्केट था। आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अगर आपको हार्मोनिक आता है, हार्मोनिक के पैटर्न आपको पता है तो आप बहुत अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज लाइव मार्केट में समझना है और अच्छे से, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन में से, अगर आपको ये चीज और अच्छे से समझना है लाइव मार्केट में चार्ट को कैसे एनालाइज करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वहां मैं अपडेट अच्छे से देता रहूंगा। अभी आप यहां पे देख सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, इसका ब्रेकआउट हो गया ऊपर की तरफ। अभी हम लोग समझते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर सिर्फ हम लोग आज की बात करें तो आज हम लोगों को परफेक्ट ट्रेड मिला या फिर नहीं मिला वो देखते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, उसके बाद कंटिन्यूसली डाउन आया है, तो यहाँ पे एक ट्रेंड बनाते हुए ये नीचे की तरफ आ रहा है। कौन सा ट्रेंड है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये ट्रेंड बनाते हुए मार्केट नीचे की तरफ आया है, ठीक है। मार्केट इसी ट्रेंड के नीचे रहा ना, ये बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे, रेजिस्टेंस लेके नीचे, रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा। तो हम लोगों को पता है कि जब भाई ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। अब इसका ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट ये हमारा टारगेट होगा, यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं,
ये हमारा फर्स्ट टारगेट, उसके ऊपर हम लोगों को पता है जब इसका प्रॉपर ब्रेकआउट होगा तो मार्केट और ऊपर जा सकता है, इससे पहले तो इधर कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, ये चीज तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि ये हमारा ऑल टाइम हाई के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है मार्केट। यहाँ पे इसका प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ, इसको रिटेस्ट किया और ऊपर की तरफ गया। अब हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई ऊपर तो रेजिस्टेंस इसको कहीं मिलेगा नहीं, तो अब ये कहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है वापस से। ये चीज समझने के लिए आप लोगों को यूज करना है फिबोनाकी का लेवल्स। फिबोनाकी यहां से लेंगे हम लोग, अगर हम लोग इस स्विंग से इस लेवल तक लगाएंगे तो लास्ट होता है 1.61। यहाँ से प्राइस रिट्रेस होके नीचे की तरफ आ सकता है, बट यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया नहीं। हम लोग और थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे लेंगे तो हम लोग इस स्विंग से लेंगे यहाँ तक, इस लो तक, ये हाई है और ये लो है, अगर यहाँ तक लेंगे तो हमारा 1.61 यहाँ आ रहा, प्राइस यहाँ से रिट्रेस होके नीचे की तरफ आ सकता है, और अगर इसको ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ तो यहाँ से और ऊपर की तरफ जा सकता है। फिर हम लोग यहाँ से स्विंग लेंगे, यहाँ से तो हुआ नहीं, अब मार्केट जितना ऊपर जाएगा फिर थोड़ा लो बनाएगा, उसके हिसाब से हम लोग फिबोनाकी के लेवल्स को यूज करके ये समझेंगे कि प्राइस कितना ऊपर जा सकता है या फिर कितना नीचे आ सकता है। अभी यहाँ पे आप लोग हार्मोनिक पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आपको हार्मोनिक पैटर्न्स के बारे में नहीं पता है तो इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां जाके वीडियो देख सकते हैं, मैंने टोटल एक एक पैटर्न उस वीडियो में कवर किए हुए हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा, ट्रेंड कैसे बनाना है ये भी आपको पता चल गया होगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।